लाइफ से फास्ट लाइफ और फास्ट लाइफ से सुपर फास्ट लाइफ, ये है अहमदाबाद, भारत का पहला हेरिटेज सिटी, जहां स्वर्णिम इतिहास के साथ सुनहरे भविष्य का भी निर्माण हो रहा है और इसी का बेस्ट एग्जाम्पल बनेगी अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल, फ्यूचर रेडी शहर का फ्यूचरिस्टिक विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा था विकास को अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंचाने का, जिसका परिणाम है कि पिछले 6.5 सालों में मेट्रो नेटवर्क 5 शहरों से बढ़कर 18 शहरों तक पहुंचा है और आगे 2022 तक 27 शहरों तक पहुंचेगा, जिसमें से एक है अहमदाबाद, जिसे गुजरात का बिजनेस कैपिटल माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि आज रिवर फ्रंट, BRDS जैसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स के साथ अहमदाबाद अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है और अब अहमदाबाद के डेवलपमेंट का सबसे उत्तम उदाहरण बन रही है अहमदाबाद मेट्रो रेल। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। दो फेज में बनने वाली इस मेट्रो रेल का पहला फेज कार्यान्वित होगा आजादी की 75वीं सालगिरह पर 2022 में, और हाँ, फेज वन के प्रायोरिटी रूट का मार्च 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भी किया जा चुका है, जहां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के ओहदे को बरकरार रखते हुए ट्रैफिक की समस्याओं को साइड में रखते हुए कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, जमीनी स्तर पर भारतीय रेल और एलिवेटेड हाई स्पीड रेल जैसी 3-tier मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की मिसाल बनाएगा अहमदाबाद का मेट्रो रेल नेटवर्क, वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए। जबकि फेज वन के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से आगे जाने वाला और 5,384 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 28 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद मेट्रो रेल का फेज टू गुजरात की आर्थिक राजधानी को जोड़ेगा गुजरात की राजधानी से, जो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ेगा भारत के सबसे पहले ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और महात्मा मंदिर से, और जन जन को जोड़ेगा रेल से, BRTS से, स्टेट ट्रांसपोर्ट से। मार्च 2024 तक हो जाएगा पूरी तरह से कार्यान्वित ये प्रोजेक्ट। मेट्रो परियोजना के फेज टू के निर्माण कार्य का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हो रहा है शुभारंभ।